हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरसी अकाउंटिंग सर्विस में। आज हम आपको बताएंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट किस तरह से बनाए जाते हैं टैली में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बनाए जाते हैं टैली में। सबसे पहले आप अपना टैली ओपन कीजिएगा। जैसे आप टैली ओपन करते हैं तो आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो यूज़ करने हैं, तो क्रेडिट नोट आपका जो यूज़ होता है वो होता है सेल रिटर्न के लिए और जो डेबिट नोट आपका यूज़ होता है वो होता है परचेज रिटर्न के लिए। तो अभी हमने मैं आपको बताता हूँ, ये अनिल कुमार जी का यहाँ पे लेजर है, इनको हमने सेल की थी 1 अप्रैल 2020 को। तो किसी वजह से इनको जो है हमारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए और इन्होंने हमारा प्रोडक्ट जो है वापस किया है हमें। तो इसके लिए हमें जो है अपने जो हमें टैली में एंट्री करनी पड़ेगी वो हमें करनी पड़ेगी इसके क्रेडिट नोट में। तो क्रेडिट नोट जो है अभी आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्रेडिट नोट यहाँ पे बनाने का। इसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा F11। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ से यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे, इसको भी यस कीजिए और इसको भी यस कीजिए, ये तीनों यस यस करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। जैसे आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे वैसे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको न्यू टैब के लिए कंट्रोल A करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यहाँ पे शो हो रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आपको जो क्रेडिट नोट यहाँ पे बनाना है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल F8 प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए अगर आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब लिखा हुआ आ रहा है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डाल देना है जो उन्होंने वापस किया है, 01 मैंने यहाँ पे डाला है। डेट यहाँ पे डाल देंगे 2/4 का, क्योंकि 1 तारीख को हमने सेल की थी, 2 तारीख को इन्होंने वापस की है। तो यहाँ पे हमने डेट डाल दी है। यहाँ पे हम पार्टी का नाम डालेंगे मिस्टर अनिल कुमार, जिन्होंने हमें वापस किया है, इनको हमने कल सेल की थी, इन्होंने वापस किया है। यहाँ पे हम लेंगे सेल रिटर्न और यहाँ पे ले लीजिए आप आइटम, हमने इनको बेचा था कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, एक एक क्वांटिटी तो एक हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद आप इस पर GST लगा दीजिए और इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। एक्सेप्ट करा दिया यहाँ पे। अब आप देखिए फिर से यहाँ लेजर में आएंगे तो ये देखिए सेल 1/4/2020 की और सेल रिटर्न 2/4/2020 की, ये देखिए। अब इनका जो यहाँ पे देखिए करंट टोटल जो हमने सेल की थी 59,000 के और वही रिटर्न हो गई है, तो क्लोजिंग बैलेंस अब कुछ ही नहीं है, यहाँ पे 0-0 हो चुका है। इसी तरह अब आपको डेबिट नोट अगर बनाना है तो यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट की जगह डेबिट नोट लेना पड़ेगा कंट्रोल F9 करके। जैसे आप ये करेंगे देखिए यहाँ पे डेबिट नोट आ गया है। उसी तरह से जिस पार्टी से आपने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, उसी को आप वापस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेबिट नोट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टी का नेम आएगा जिस पार्टी को आप वापस करना चाहते हैं और यहाँ पे सेल रिटर्न की जगह आएगा परचेज रिटर्न और ये सेम यहीं पे आइटम इस तरह से क्वांटिटी और इसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आप उस पर GST लगा के और आप उसको डेबिट नोट बना के आप उसको परचेज रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेसन था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बनाया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।